गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो लास्ट चैप्टर में मैं क्लास थर्ड का ईवीएस का और हाउस लाइक दिस पढ़ रही थी, जिसमें कि बच्चों ने सीखा था कि सभी अपने अपने स्कूल से, मतलब कैंप लगा हुआ था, तो अलग अलग जगहों से बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जिसमें कि सबसे पहले भूपन ने दिया इंट्रोडक्शन, उसके बाद चमेली ने दिया। अब हम बात करेंगे मिताली और अनुज की। तो मिताली और अनुज जो थे वो दिल्ली से आए हुए थे, वो अपने घर की पिक्चर दिखाते हैं और वो बताते हैं कि देखिए हमारे जो घर है वो इस टाइप के होते हैं, बिल्डिंग मतलब कि जिसे कहते हैं, ये देखिए जैसे ये बिल्डिंग है इस तरह की जो है, मतलब कि स्लैंटिंग या फिर मतलब कि वन रूफ वाली जो है वो घर जो है वो वहाँ पर नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या होती है बिल्डिंग्स होती है इस तरह की, जैसे एक फ्लोर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह की ये होती है। तो बच्चे जो है वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है, वो कहती है कि इस तरह की, मतलब तुम लोग इस तरह से घर के घर में मतलब कैसे रहते हैं। तो बच्चे जो है वो बहुत हैरान होते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की, बहुत सारे लोग जो है इसमें बॉक्स में जो है न्यू दिल्ली के बारे में, हमारी जो कैपिटल इंडिया की है इसके बारे में बताया गया है कि लोग जो है गाँव से शहर से यहाँ पर आते हैं सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो रहते भी हैं। मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, पीपल स्लीप वेदर फाइंड प्लेस ऑन द रोड ऑन द फुटपाथ। कई बार लोगों को जो है इतनी मतलब जगह नहीं मिलती है, तो लोग क्या है रोड पर, फुटपाथ पर ही, स्टेशन पर ही बेचारे जो है सो जाते हैं। बिकॉज शेल्टर, इंडीड शेल्टर इज ए मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज, बड़ी बड़ी मतलब सिटीज में किसी एक मतलब छत पे रहना जो है वो बहुत मुश्किल है, मुश्किल बात है। तो इस तरह से ये मतलब हमारे न्यू दिल्ली के बारे में जो बताया गया है। अब लास्ट में जो है कांशीराम अपने घर के बारे में बताता है, वो कहता है कि मैं राजस्थान से हूँ, बारिश तो दूर, वहां पर हमें मतलब पानी भी जो है वो बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, क्योंकि हमारी जो राजस्थान में पता ही है तो डेजर्ट एरिया होता है, वहां पर मतलब रेत इतनी ज्यादा और इतनी गर्मी है, हमारे हमारे जो घर होते हैं वो मट के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, दीवारें जो है वो बहुत ही मोटी होती है और वो प्लास्टर्ड होती है, किसके मट से, और जो हमारी रूफ होती है वो बुशेस, थॉर्नी बुशेस, यानी कि इस तरह के कांटेदार जो होते हैं झाड़ीदार, उस तरह से ये बने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सारे बच्चे अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं, एक कल्चर प्रोग्राम हेल्ड होता है, अलग अलग बच्चे जो है डांस करते हैं, फॉक सॉन्ग करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में सभी को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसके बाद बच्चे जो है कहवा खाते हैं और विद एलमंड्स बादाम के साथ और कैराडॉम यानी कि इलायची के साथ करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। शाम के समय बच्चे जो है डल लेक जाते हैं, वहाँ पर वो हाउस बोट देखते हैं, शिकारा में घूमते हैं, कुछ बच्चे जो है ओर्स मतलब कि घूमने चले जाते हैं, और वहाँ से वो देखते हैं चार चिनारी जो कि ब्लू माउंटेन के बीचों बीच होती है। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, चलिए, ओके बाय।